जेडी सिंह स्टेट कन्वीनियर बीजेपी सीनियर सिटीजन सेल। ऐसा है कि पांच स्टेटों में इलेक्शन चल रही है, हम पांच की पांच स्टेटें जीतेंगे यह हमें पूरा विश्वास है। महंगाई के लिए आप पूछ रहे हैं तो महंगाई का दर बढ़ी है, मैं मानता हूं कि महंगाई की दर बढ़ी है, मगर खाली हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बढ़ी है। जो कोरोना की दो वेव्स आई है इससे सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ है, उसके वहां मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। और जो वो है महंगाई, पिछले 40 साल भी इतनी महंगाई नहीं थी जो अमेरिका में आज है, इतने विकसित देश में है। हमारे हिंदुस्तान में भी महंगाई बढ़ी है, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में देख लीजिए, इतनी महंगाई बढ़ी है कि वो भीख मांगने की कगार पे है। और देखिए आप, यहां मोदी जी दिन रात युवाओं के लिए एक ऐसा काम कर रहे हैं कि वो कल को युवाओं को रोजगार दे सके। योजनाएं, इतनी योजनाएं बना रहे हैं, दिन रात योजनाएं बन रही हैं, हर योजनाओं में लाखों रोजगार तैयार हो रहे हैं। हमारी एक ये एक हमारे में एक एक सोच बन गई थी हमारी कि नौकरी जो होती है गवर्नमेंट नौकरी होती है। भाई गवर्नमेंट नौकरी तो है ही, बट अभी तो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर पूरे 140 करोड़ लोगों के लिए गवर्नमेंट नौकरी तो हो नहीं सकती है। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए। प्राइवेट सेक्टर में इतनी जम्मू में भी हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, IIM, IIT, एम्स, यू, आप गंडोला, आप इतना देख रहे हैं कि श्रीनगर में भी ये सारी इंडस्ट्री रिपीट हुई है। ये सारे हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, रोजगार के लिए है। बाहर से बड़ी जो कंपनियां आ रही हैं वो रोजगार के लिए आ रही हैं। और हिंदुस्तान में डिफेंस कॉरिडोर जो बने हुए हैं, दो डिफेंस कॉरिडोर बने हैं, जो एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में, लाखों नौकरियां हैं उनकी उनमें। तो ये सारी जो नौकरियां हैं युवाओं के लिए ही हैं हिंदुस्तान में। वेट एंड वॉच, थोड़ा सा हमें कॉपरेट करना चाहिए कि 70 साल की जो सिस्टम बगाड़ा हुआ था वो 2-4-5-7 साल में ठीक होने में टाइम लगेगा। अगले 2 साल में आप देखेंगे कि मैं ये समझता हूं कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसमें वो विश्व गुरु के तिगारतेदार पर पहुंचेंगे। इसरो में देखिए आप, इसरो कुछ महीनों के अंदर अंदर ही मनुष्य को, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को चांद पे भेजने की तैयारी कर रहा है। तो मेरे ख्याल तो अगले साल केजरीवाल कहेंगे तो मैं तो फ्री चांद पे सबको ले जाऊंगा, वो तो फ्री मान रहे हैं सब कुछ। ये सोचना चाहिए हमारे युवाओं को भी, हिंदुस्तान के लोगों को भी, जो हमारी लेडीज हैं, माता बहनें हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश में इतना काम हुआ है, भारत में इतना काम हुआ है, और वो सब कुछ लोग सब लोग खुश हैं। ठीक है।